तो हेलो, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होगे। तो पिछली वाली वीडियो में बताया था फोर एडिटिंग एप्स। अब एप्स के लिए फ़ोटोज़ तो चाहिए चाहिए। तो फ़ोटोज़ किस फॉर्मेट में क्लिक करना चाहिए, कैसा फ़ोटोज़ होना चाहिए, कैसे डाउनलोड करना चाहिए, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ़ोटो होते हैं दो तरह के, एक होता है जेपैक, एक होता है रॉ। ठीक है, ये दोनों तरह के फ़ोटोज़ होते हैं जो हम क्लिक करते हैं अपने कैमरा से, अपने फ़ोन से। फ़ोन में जो रॉ जो फ़ोटो है फ़ोन में, वो अब जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें सब में रॉ फ़ोटोज़ सपोर्टेड है। बाकी अगर आप फ़ोन से रॉ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो जो आपकी क्वालिटी है उसको हमेशा हाई पर रखें, तब क्लिक करें। और आप कैमरे की बात करते हैं, कैमरे में दोनों तरह के फ़ोटोज़ होते हैं, जेपेग और रॉ। अगर आप कैमरे से रॉ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे तो लगभग फ़ोटो ऐसा 20 या मतलब आपके पास स्टोरेज होना चाहिए उस चीज़ के लिए। और आप जेपेग करते हैं तो जेपेग तो 2 या 3 MB का, मतलब 5 MB 6 MB तक का फ़ोटोज़ क्लिक हो जाता है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर जेपेग अगर आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको वो फ़ोटो एडिट करना है तो इतने डिटेल जेपेग में नहीं आ पाएगी। अगर आप उसी को रॉ फ़ोटो में क्लिक करते हैं और उसको एडिट या बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा डिटेल, बहुत अच्छा एडिट होने के बाद आपका फ़ोटो प्रेजेंट होगा। तो दोनों में डिफरेंस यही है। बाकी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमने रॉ फ़ोटोज़ क्लिक किया बट क्वालिटी नहीं आ रही है, वो DSLR से किया था। तो इसमें ये हो सकता है कि आपने फ़ोटो जो है वो मार्क करके डाउनलोड किया हो कैमरे से। ठीक है, तो इसमें बस खाली यही पॉइंट है जो क्वालिटी नहीं आएगी, वरना रॉ फ़ोटोज़ में अच्छी खासी क्वालिटी होती है। या तो आप पे हो सकता है फोकस नहीं हुआ हो या फिर कोई भी वजह। तो आज की वीडियो से यही था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा नॉलेज के लिए मेरी इंस्टाग्राम हैंडल उधर आ रहा है, मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम। थैंक यू।